सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। व्यक्ति का चरित्र एक वृक्ष है और उसका मान सम्मान एक छाया, लेकिन ये कितनी दुख का विषय है कि हम हमेशा छाया की सोचते हैं, लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसका प्रकाश कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। जीवन में आपको कौन कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किस किस से मिलेंगे ये आप तय करेंगे। किस किस के दिलों में रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। आज का पंचांग 22 मई 2021 दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:06 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 22 मई 2021 दिन शनिवार, आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पछड़े में भी पड़ सकते हैं। कोई ऐसे दुर्घटना होंगे जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड़े या अपने बाल बनाने का तरीका बदल लें। वर्तमान परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने के लिए मनोबल मजबूत बनाकर रखना जरूरी है। आप इस समय स्वयं तथा दूसरों के लिए उचित वातावरण बनाकर रखेंगे। किसी निकट संबंधी की किसी परेशानी में आपका सहयोग उन्हें राहत देगा। जिन लोगों को आप करीब समझते थे उन लोगों के स्वभाव के कुछ नकारात्मक पहलू सामने आएंगे। व्यक्ति और उनका स्वभाव यह दोनों अलग बातें होती हैं। इस बात की जानकारी रखें और व्यक्ति की परख करके ही उनके साथ किसी समस्या के बारे में चर्चा करें। तय किए गए काम को पूरा कर पाना आपके लिए, लेकिन काम की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। जो लोग पार्टनर की खोज में हैं, उनको लोगों के द्वारा बोले गए नकारात्मक बातों के कारण पार्टनर रिलेशनशिप के प्रति नकारात्मक नजरिया बन सकता है। सावधानियां, दोस्तों तथा संबंधियों की गतिविधियों में उलझे रहने की वजह से आप अपने व्यक्तिगत कार्य को समय नहीं दे पाएंगे। कुछ समय आत्मचिंतन और मंथन में भी जरूर लगाएं। विद्यार्थी लोग अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध रोमांटिक रहेंगे। आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी कहा सुनी हो सकती है, हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन विवाद में पढ़ने या चिढ़ने वाले जवाब देने से बचें। आज छोटे मुद्दे भी बेवजह बड़े बन सकते हैं। टकराव की स्थिति न आने दें। आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने की जरूरत है। और रोमांटिक ट्रिप पर जाने की बजाय पारिवारिक पिकनिक पर जाना बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। आज अतिथि परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे। सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। मशीनरी कारखानों से संबंधित बिजनेस में व्यवस्था रहेगी। आय की स्थिति बेहतर होगी, परंतु अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को
गंभीरता से लेना होगा। ऑफिस संबंधित कार्यों में अपनी क्लाइंट के साथ व्यवहार उचित रखें। बात करते हैं सेहत की। पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वे सब आज ठीक हो जाएगी, लेकिन वे अपनी पीछे थकान की एक ऐसी फीलिंग छोड़ जाएगी जिससे उभरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। अधिक स्वास्थ्य कर जीवन शैली पर अपना फोकस करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्य कर विकल्प शामिल कर अपनी डाइट को संतुलित करें। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।